from the statistics of FIA, तो नंबर वन इस वक्त साइबर क्राइम जो रिपोर्ट हो रहा है, रजिस्टर्ड केसेस हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू फेक प्रोफाइल्स. किसी ने किसी का फेक अकाउंट क्रिएट कर, इट्स वेरी इजी. बेसिकली ऑल यू नीड इज जस्ट अ फोन नंबर, एनी फोन नंबर, किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो, आप किसी और की पिक्चर लगाएं और उसके बाद यू नो यू स्टार्ट एडिंग देयर फ्रेंड्स. ये सबसे ज़्यादा कॉमन है. सेकेंड जो कैटेगरी है, दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड्स. दुनिया में जो पहला लॉ जिसने डाटा प्रोटेक्शन को सफिशिएंटली एड्रेस किया, दैट इज़ GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो कि यूरोपियन यूनियन ने उसको इम्पोज किया. डाटा प्रोटेक्शन इज लॉ बेसिकली गिव्स द सिटीजन राइट. फॉर एग्जांपल, कि अगर आप कोई एप्लीकेशन पे जाते हैं और आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पर आप यू नो इन कॉमन कार्ड पे अपना आप डाटा देते हैं, तो हाउ वुड दे स्टोर द डाटा, उस डाटा को प्रोसेस कैसे करेंगे और उस डाटा को वो कब तक रिटेन करेंगे. या फॉर एग्जांपल, आप किसी राइड हेलिंग एप्लीकेशन में, आप करीम है, ऊबर है, बाइकिया है, इनके थ्रू जब आप ट्रैवल करते हैं तो उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारा आपका डाटा होता है. कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, किस कोऑर्डिनेट से आपने ट्रैवल किया, किस कोऑर्डिनेट तक आप गए, उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है. जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो नॉर्मली इस चीज़ को एड्रेस करता है कि जब आप यूज़र जो है वो आपकी सर्विस पर साइन अप कर रहा हो, तो यूज़र को एक्सप्लिसिटली आप ये बताएं कि आप ये डाटा किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं. और ये भी एडवाइस की जाती है कि बेयर मिनिमम डाटा जो है आपको कलेक्ट करें, जो आपको नेसेसरी हो सर्विस को रन करने के लिए. उस डाटा को आप कितना टाइम स्टोर करेंगे, और उसके बाद ये कि क्या यूज़र के पास ये राइट है या नहीं है, राइट टू बी फॉरगॉटन. ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट राइट है कि अगर मैं कल को ये सर्विस यूज़ नहीं कर रहा, मैं करीम यूज़ नहीं कर रहा, बाइकिया यूज़ नहीं कर रहा, फूड पांडा यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं उनको ईमेल करूं और उनको मैं ये कहूं कि ये डाटा जो है दिस इज़ माय पर्सनल प्रॉपर्टी, और इस डाटा को आप अपने सर्वर से डिलीट करें. नॉर्मली ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और उसके बाद देयर आर न्यूमरस थिंग्स दैट कैन हैपन. फेसबुक के पास जो किसी भी आईडी को, किसी भी प्रोफाइल को वैलिडेट करने का जो मैकेनिज्म है, दैट इज़ योर यूज़र आईडी व्हिच इज़ पब्लिकली नोन एंड बेसिकली योर पासवर्ड. एंड यू नो, अगर किसी ने सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया हुआ है, तो उसके बाद सेकंड फैक्टर पे कोड जाएगा. नॉर्मली पीपल डोंट इनेबल सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन. एंड वी हैव सीन केसेस जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट के बाद, एक तो ये है कि लोग यू नो दे आस्क फॉर मनी, दैट इज़ वन थिंग, कि वो कहते हैं कि जी मैं किसी मुल्क में हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, और मैं कहीं फंस गया हूँ, तो आप मुझे इस अकाउंट में या इस वेस्टर्न यूनियन के ऊपर या मनीग्राम के ऊपर जो है आप पेमेंट हमें भिजवा दें. दैट इज़ वन थिंग जो हमने देखी है. दूसरा, हमने ये देखा है कि आउट ऑफ शीयर जेलसी लोगों ने फेक प्रोफाइल्स क्रिएट किए हैं और उस पर ब्लैस्फेमस एंटी स्टेट कॉन्टेंट भी जो है ना वो अपलोड किया है, एंड ताकि जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो तो ऑब्वियसली उस प्रोफाइल के अगेंस्ट जो जो उसकी आइडेंटिटी होगी, एंड ऑब्वियसली यू नो इट वुड टेक समबडी सम टाइम कि वो ये प्रूव कर सके कि ये मेरा अकाउंट नहीं है और किसी और ने फेक प्रोफाइल बनाया. बट अगेन, इट इज़ इनफ कि आप जो है ना किसी को उस इन्वेस्टिगेशन के जद में ला सकते हैं. तो उस केस में नॉर्मली मैं लोगों को यही मशवरा देता होता हूँ कि जब भी कोई आपका फेक प्रोफाइल बने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिपोर्ट करें और उसकी स्क्रीनशॉट्स आप अपने पास एज एन एविडेंस रख लें. और दूसरा ये कि आप FIA साइबर क्राइम की ईमेल एड्रेस पर भी या उनकी वेबसाइट पर भी जो है ना उसको रिपोर्ट करके अपने पास कम से कम ये डाटा रख लें. बायोमेट्रिक है, दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डाटा पॉइंट, बिकॉज आप देखें कि बायोमेट्रिक के ऊपर इस वक्त आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपका कोई बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट रेप्लिकेट कर लेता है, इफ़ समबडी इज़ एबल टू गेट दैट होल्ड ऑफ दैट डिजिटल कॉपी और उसके बाद उसको रेप्लिकेट करके रिप्ले किया जा सकता है, तो देर आर न्यूमरस थिंग्स जो आप की जा सकते हैं. आपके नाम पे बैंक अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं, आपके
नाम पे लोन जो है वो कोई इशू किया जा सकता है, चेकबुक जो है वो इशू किया जा सकता है, सिम्स जो है लीगल सिम्स जो है वो आपके नाम पे इशू की जा सकती हैं। देर हैव बीन न्यूमरस केसेस जिसमें FIA ने जो के अनर्थ किए हैं, जिसमें लोगों के बायोमेट्रिक बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के नाम पर लोग जाया करते थे, लोगों से जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के बहाने लोगों से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते थे और उसके बाद उन्हीं फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हुए वो लोग सिम्स जो हैं वो रजिस्टर करते थे उन्हें और उसके बाद उन्हीं फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हुए वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो है ना फ्रॉड्स कर रहे होते थे, पैसे जो है विड्रॉ कर रहे होते थे थ्रू फेक रिटेलर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली इट इज़ देयर एंड आई थिंक देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नादरा है इट इज़ आई बिलीव इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव डेटाबेस बिकॉज आप उसके इम्पैक्ट इस तरीके से देख सकते हैं कि इफ़ नादरा डेटाबेस फॉर सम रीज़न गॉड फॉरबिडन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड तो बेसिकली आप किसी को शरीयत दे भी सकते हैं और किसी से शरीयत आप ले भी सकते हैं, आप बेसिकली किसी को किसी की फैमिली ट्री में जो है ना ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर डिजिटल रेवोल्यूशन, आपकी सारी स्पेशली आफ्टर कोविड आपकी सारी जो सर्विसेज हैं वो डिजिटाइज हो रही हैं एंड यू नो नादरा इज़ हैंडलिंग मोर एंड मोर डेटा एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नादरा और स्पेसिफिकली बेसिकली वी वुड हैव टू इम्प्लीमेंट यू नो मोर सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑन इन प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा पॉइंट्स जो कलेक्ट हो रहे हैं, जैसे नादरा हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल आपका सेक्टर हो गया। में जो हैक हुआ था बेसिकली इट वॉज नादरा का डेटाबेस, बैकएंड डेटाबेस नहीं ब्रीच हुआ था। बेसिकली हुआ यह था कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो फॉर्म्स के ऊपर जो है वो आप लगाते हैं नॉर्मली जिस वक्त आप CNIC रजिस्टर करने जाते होते थे, रिन्यू करने जाते होते थे या कोई सर्विस जो आप अवेल कर रहे होते थे, और आपने देखा होगा कि किसी ज़माने में जो नादरा के जो CNICs जो नादरा इशू करता था तो उस पर बेसिकली आपका फिंगरप्रिंट जो है वो लगा हुआ था। तो वो जो डेटा था वो कुछ साइबर क्रिमिनल्स थे वो उस डाटा को उठाते थे और उसके बाद उसके थ्रू जो है वो फ्रॉड्स कंडक्ट करते थे, सिम्स की इशुंस हो गई और इस तरीके से एहसास प्रोग्राम में जो है ना उसको यूटिलाइज किया जाता था। इफ़ यू बीन विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है उसी तरीके से होती है कि आपके अकाउंट से जो है ना पैसे निकल जाते हैं, आपको कॉल्स आती हैं, आप उनको अपने वन टाइम पिन जो है आप प्रोवाइड करते हैं, तो जिस वक्त आप बैंक्स को अप्रोच करते हैं तो बैंक आपसे जो है सबसे पहले सवाल ही पूछता है कि डिड यू गिव यू OTP, आप कहते हैं जी हमें OTP दिया था। तो अगर एक यूज़र है वो खुद अपना पर्सनल डाटा OTP, पासपोर्ट नंबर, ATM कार्ड, ATM का पिन अगर किसी साइबर क्रिमिनल को देता है तो लेट मी श्योर यू कि दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फायरवॉल्स लगाएं, आप EDR लगाएं, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाएं, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अ यूज़र जो डेलिबरेटली अपना खुद डेटा देता है। बट यू नो विद दैट बीइंग सेड मैं सारा ऑनर्स यूजर्स पे नहीं डालूंगा, ऑब्वियसली जो साइबर क्रिमिनल्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज फादर वेंट टू अ बैंक और वहाँ पर उसने कहा कि जी मैंने इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करानी है, उन्होंने कहा आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। तो वो घर आ गए और जैसे वो घर आए तो कुछ टाइम बाद उनको कोई कॉल रिसीव होती बैंक से और वो कहते हैं कि जी हम उसी बैंक से बात कर रहे हैं, आपने इंटरनेट बैंकिंग जी एक्टिवेट करवानी थी। तो उसने कहा कि बिल्कुल मैंने करवानी थी लेकिन आप मतलब बेसिकली जिस नंबर से बात करें, बैंक का नंबर तो नहीं, आपने ऑफिशियल नंबर से बात करें। उसने कहा नहीं नहीं सर मैं आपको आपकी डिटेल्स वेरीफाई करवा देता हूँ, आपका ये नाम है, आपका ये CNIC है, आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो इतने की हुई है और आपके टोटल अकाउंट में जो बेसिकली बैलेंस है वो इतना है। तो ही वॉज कन्विंस्ड, उसने कहा ठीक है मैं कन्विंस हो गया, आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा जी आप ATM कार्ड नंबर बताएं और पिन बताएं, आपको हम SMS कोड भेज रहे हैं। वो उसने SMS कोड भेजा, उसकी इंटरनेट बैंकिंग उसने एक्टिवेट की, उसके बाद बेनिफिशरी ऐड किया एक और फेक अकाउंट को। ये भी एक स्टोरी है कि किस तरीके से फेक अकाउंट्स जो हैं वो ये ऑपरेट होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है फेक अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे। तो उसने उससे अकाउंट से जो है ना वो पैसे निकलवा लिए, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड लिमिट होती 2.5 लाख रुपये की। जब बैंक को उन्होंने कॉल की तो बैंक ने कहा कि आपने खुद पिन दिया है,
हमने तो आपको कहा है कि आप किसी को भी ये डाटा ना नहीं प्रोवाइड करें। उसने कहा भाई उसने मुझे ये सारी डिटेल्स बताई हैं। बहरहाल बात यहाँ कंक्लूड हुई कि बैंक ने उसको रिफंड नहीं दिया, और स्टेट बैंक की तरफ से बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर यूज़र देखें अगर कोर बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बैंक सर्वर कॉम्प्रोमाइज होते हैं, देन द बैंक इज़ लाइबल टू पे द मनी। बट अगर आप खुद किसी को डाटा देते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग दैट बैंक कैन डू। तो जब हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता ये चला कि बेसिकली बैंक्स जो हैं वो हायर करते हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज हायर करती हैं फॉर क्रॉस सेलिंग, और उनको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, और उस स्टेटमेंट में वो ये देख के बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ही वुड बी अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ क्रेडिट कार्ड, अप सेल अप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, और उसकी इतनी लिमिट होनी चाहिए, और ये जो हैं ये सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं ऑटो फाइनेंस लोन के, पर्सनल लोन के, तो वो उससे BI परफॉर्म करते हैं। चूँकि वो थर्ड पार्टी होती हैं उनमें उस तरह से सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं होते हैं, आइदर दे गेट ब्रीच्ड और ये है कि कोई इंसाइडर है जो कि इनसाइबर क्रिमिनल्स के साथ जो है मिला होता है, इस तरह की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगेन इस तरह का कोई भी इशू होता है तो आई वुड से कि आप स्टेट बैंक का CPD है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पे रब्ता करें और आप साथ FIA साइबर क्राइम में भी जो है ना उसको करें। बट अगेन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बैंक्स जो है इसमें रिफंड नहीं करते, तो इसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो यही है कि अवेयरनेस जो है रेज करनी चाहिए बैंक्स को भी और स्टेट लेवल पे भी।